बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अप्रैल है और दिन है हफ्ते का। आसिफ अली जरदारी साहब की जब भी आप कोई चाल देखें तो फिर उससे थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि चीज़ें किस तरफ जाने के इम्कानात हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी बहुत सी चीज़ें, बल्कि 70-80-90% चीज़ें खुद से नहीं करते, बल्कि वो किसी के इशारे पर करते हैं। और ये जो आप देखें कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत गई उसमें भी आसिफ अली जरदारी का किरदार था। पहले जब नून लीग के खिलाफ चीज़ें शुरू हुई थी तो बलोचिस्तान की हुकूमत भी आसिफ अली जरदारी ने गिराई थी। जो चेयरमैन सेनेट हैं मौजूदा, इनको भी चेयरमैन सेनेट आसिफ अली जरदारी ने बनवाया था। फिर उसके बाद आपने देखा कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई जानी थी उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, और ये जो लोटे बनाए गए, जो पैसे जो दिए गए, सिंध हुकूमत का पैसा जो दिया गया, वो सारे का सारा वो पीपल्स पार्टी ने किया था। क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब पर इस्टेब्लिशमेंट ये एतबार जरूर करती है कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो जबान देते हैं, जो बात करते हैं, उस पर कायम रहते हैं। और फिर तरीका यही होता है कि सिंध हुकूमत के पैसे से जो सिंध के अवाम पर खर्च होने चाहिए, जो कराची के अवाम पर खर्च होने चाहिए, उनसे फिर लोटे बनाए जाते हैं। और फिर जाहिर है इनको भी सिंध हुकूमत को फिर फायदा ये होता है कि इनके जो करप्शन केसेज हैं वो फिर मैनेज होते हैं, जजेस मैनेज होते हैं, और इनके फिर एहतसाब नहीं होता। तो ये ऐसा नहीं होता कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आसिफ अली जरदारी को काम कर रहे हैं तो वो मतलब एम ही कोई खुदा वास्ते कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उसकी जो कीमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग अदा करते हैं वो बड़ी भारी होती है। तो वो जब इमरान खान की हुकूमत उन्होंने गिराई, उसके बाद आपने देखा जो नैब तरमीम हुई उसमें सारे केसेस बंद हो गए। हालांकि जो आसिफ अली जरदारी के केसेस थे, जो फेक अकाउंट्स के केसेस थे, वो इतने क्लियर थे, इतने क्लियर थे कि एक हफ्ते में वो कन्विक्ट हो सकते थे। यानी सबूत मौजूद थे किस ठेकेदार ने पैसे जमा कराए अकाउंट में, वो होते होते किस अकाउंट में गए, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, और उसके बाद फिर वो पैसा किस तरह से जो है वो आसिफ अली जरदारी और जरदारी हाउसेज, बिलावल हाउसेज और उनके यानी सदके के बकरे तक उन पैसों से जो है वो आ रहे थे। तो जाहिर है फिर यही होता है ना, जब आप किसी के कहने पे ये कर रहे होते हैं तो फिर वो फिर आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो मामला ये है कि देखें, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने पहले चार चीज़ों पर नून लीग और हुकूमत से इख्तलाफ किया, अब उन्होंने कुछ और ऐलान किए हैं। और नून लीग में बड़ी, मैं ये भी आपको बता दूँ कि नून लीग में बड़ी परेशानी है इस सारे पे। पहला उन्होंने ऐलान ये किया जब उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ताबंदियाल से मुस्ताफी होने का जो मुतालबा है ये हकूमत का नहीं है, ये नून लीग का है, हकूमत में हम भी शामिल हैं, हमारे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। दूसरा उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला ये नून लीग का है, हकूमत का नहीं है, हकूमत चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं करने जा रही। दो इख्तलाफ हो गए। तीसरा इख्तलाफ उन्होंने ये किया कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात ना करने का फैसला ये हकूमत का नहीं है, ये नून लीग का है, हकूमत में तो उन्होंने कभी ऐसी बात ही नहीं हुई, और हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हम तो चाहते हैं बातचीत होनी चाहिए। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी ने 3 रुकनी कमेटी भी बना दी, जिस कमेटी का काम यह है कि वो कमेटी जो है वो पहले इत्तेहादियों से बात करेगी और फिर उसके बाद वो कमेटी जो है वो इमरान खान से भी बात कर सकती है। देखें अच्छा, उस कमेटी में कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी हैं, और देखें जरदारी साहब खेल ये खेलते हैं कि उन्होंने कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को तो बिल्कुल नून लीग के दिफा पे लगा दिया ना, यानी इतना उन्होंने कि तलाल चौधरी को भी क्रॉस कर गए कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। ऐसी ऐसी गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर इंसानी चीज़ों के ऊपर भी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने जो है वो डिफेंड किया नून लीग को, कि तस्वर नहीं हो सकता था कि कभी को पीपल्स पार्टी का कुरानुमा इस हद तक पस्ती में चला जाएगा कि वो नून लीग की इन चीज़ों को भी डिफेंड करेगा, जो कि बिल्कुल नून लीग के अपने लोग नहीं डिफेंड कर पा रहे। लेकिन उसका यह भी है कि उनके जरदारी साहब गेम ऐसे ही करते हैं, उनका कोई पता नहीं है कि वो इतना इस्तेमाल करें उनको कमरुज़्ज़मान कायरा को, इतना इस्तेमाल बाद में वो तरीके से कमरुज़्ज़मान कायरा को नून लीग में शामिल करवा दें कि, और कमरुज़्ज़मान कायरा को तो भाग के नून लीग जो है वो शामिल करेगी, वैसे वो अपनी सीट जीत ही नहीं सकते कभी भी, तो उनको जो है वो नून लीग के साथ मिलके तो उनका एक उनको आसानी हो जाएगी कि चले जो है वो सीट उनकी निकल आएगी। क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी के 5-6 ऐसे रहनुमा हैं, अगर वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े और नून लीग वहाँ पर उम्मीदवार खड़ा ना करें तब वो अपनी सीट निकाल सकते हैं, वरना मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई जिन चीज़ों पर पहले वो इख्तलाफ कर रहे थे। अब उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मौलाना फजल रहमान ये कह रहे थे कि हम इस असम्बली को 1 साल के लिए एक्सटेंड करेंगे, यानी अगस्त में जब 18 अगस्त को इस असम्बली की मुदत ख़त्म होगी तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, और हम जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो हम इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देंगे, और मौआशी इमरजेंसी लगाकर ये सारी चीज़ें। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने कल हामिद मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए इस चीज़ की मुखालफत का ऐलान कर दिया है कि ना तो असम्बली की मुदत को एक्सटेंड किया जाएगा, ना ही एक्सटेंड होना चाहिए, और अगर ये होगा तो मैं इसकी मुखालफत करूँ। वो हो ही नहीं सकती जब आसिफ अली जरदारी खिलाफ हों। तो इसका मतलब ये है कि जो कहीं पर ये प्लान था भी सही, और ये नून लीग वाले तो खुद मुसलसल कहते थे कि जनाब ये, और मौलाना साहब लोग कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि हमने 1 साल और आपको कंटिन्यू करवाना है, हमने 1 साल और आपको एक्सटेंशन देनी है, क्योंकि इमरान खान को हमने नहीं आने देना,
एक साल हम आपको एक्सटेंशन देंगे, आप एक साल और कौमी असेंबली चलाएंगे, निगरान सेटअप पंजाब में और केपीके में चलते जाएंगे, और हमने उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होने देने जब तक इमरान खान को हम क्रश ना कर दें, उसकी जमात को हम क्रश ना कर दें, ये दावा करते रहे मुस्लिम लीग नून वाले। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी ने बेवकूफाना बात करार दिया, ये बेवकूफी वाली बात ये कहना कि एक्सटेंड कर देंगे और अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, बल्कि आसिफ अली जरदारी अब इस बात पर भी आ गए हैं कि इलेक्शन जो है वो अगर एक दिन होना चाहिए, चाहे वो अक्टूबर से पहले करवा लें, अक्टूबर के बाद करवा लें, लेकिन तमाम सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक दिन होने चाहिए। ये आसिफ अली जरदारी की जानिब से बात होना ये नून लीग के लिए वाज़ेह पैगाम है। लेकिन नून लीग के लिए परेशानी है कि आसिफ अली जरदारी ये बात खुद कर रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, शहबाज शरीफ से ज़्यादा क्लोज हैं, बहुत सी चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट ने आसिफ अली जरदारी के जरिए एग्जीक्यूट करवाई हैं, करवा रहे हैं, करवाएंगे। तो इसलिए नून लीग को अब शक है कि लगता ही है कि आसिफ अली जरदारी, और आसिफ अली जरदारी जो है उन्होंने कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ को और नून लीग को मैं इनसे इस तरह का इंतकाम लूँगा कि ये उम्र भर याद रखेंगे, और वो कहा करते थे कि ये नासूर हैं, ये इस धरती के नासूर हैं, इनको मैंने माफ़ कर दिया तो मुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। और ये बातें भी होती हैं कि आसिफ अली जरदारी ने किस ज़बरदस्त तरीके से नून लीग को उस जगह पर ला खड़ा किया है कि नून लीग तबाह और बर्बाद हो गई है, इनका टिकट लेने वाला कोई नहीं है, ये पैसे ऑफर कर रहे हैं कि पैसे भी देंगे टिकट ले लो, यानी जमातें तो पैसे लेके टिकट देती है ना कि आप जमात को फंड देंगे और आपको टिकट मिलेगा, यहाँ तो नून लीग फंड देने को तैयार है, पैसे देने को तैयार है, क्योंकि जाहिर है इन्होंने को अपनी जेब से तो देना नहीं है, इन्होंने कौमी खजाने को ऐसे इस्तेमाल करें जैसे इनके बाप का पैसा हो, ये उसी में से पैसा देंगे, उसी में से ये फंड देंगे, और आवाम के टैक्स का पैसा होगा, जो आपके और मेरे टैक्स का पैसा है, जो हम पर खर्च होना चाहिए, जो आवाम पर खर्च होना चाहिए, वो ये अपनी करप्शन लूट मार, अपने इकतदार, अपने मफाद, अपनी सियासत, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी चोरी डकैती लुटेरी बाजी, इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ है, और ये रज के जो है वो करप्शन लूट मार कर रहे हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ हो तो फिर आपको क्या जरूरत है, आपको क्या परेशानी है, जब अदालतों तक के ऊपर हमले हो रहे हैं, अदालतों तक को उस दीवार के साथ लगा दिया गया है, तो फिर और कौन इनसे पूछ सकता है, नैब के अंदर जिसको बिठा दिया गया वो आपके सामने है। तो ये इस वक्त जो है वो आसिफ अली जरदारी की ये बातें कहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार इख्तलाफ मैंने आपको पहले बताए थे, फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक दिन होना चाहिए, वो कहते हैं कि इलेक्शन ना होने के हम खिलाफ हैं, एक दिन होना चाहिए, उन्होंने जो है वो मुजाकरात के लिए कमेटी बना दिया है, पार्लियामेंट की तोसी की मुखालफत कर दी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की मुखालफत कर दी, और दिलचस्प बात यह है उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर शहबाज शरीफ जो है वो नाइल होते हैं तो सिंधी वजीर आजम भी आ सकता है, यानी आसिफ अली जरदारी ये नहीं कहा कि शहबाज शरीफ नाइल नहीं हो सकते, उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ नाइल होते हैं तो सिंधी वजीर आजम भी आ सकता है, कौन आ सकता है, फिर तो आसिफ अली जरदारी खुद भी सिंध से हैं, बिलावल भी सिंध से हैं, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी वजीर आजम बनो और पीपल्स पार्टी वजीर आजम जो है वो अपने मतलब इन इस वक्त बिलावल की जाहिर है जो और ये भी पीपल्स पार्टी कहती है कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हमें ये कहा गया था कि बिलावल को आप वजीर खारजा बनवा लें, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर से बातचीत थी कि बिलावल को शहबाज शरीफ का वजीर नहीं बनना चाहिए, जिस जिनको हम जनरल ज़िया की बाकियात कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि भुट्टो के कातिल हैं, उस भुट्टो के कातिल और जिन्होंने बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें फेक बनवा के और वायरल की, बेनज़ीर के बारे में क्या कुछ नहीं कहा हुआ, तो उनका बेनज़ीर का बेटा उसका वजीर बन जाए, तो फिर कहा गया कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि बिलावल को वजीर खारजा आप बनवाएं, बिलावल पूरी दुनिया में जाएंगे, बिलावल की अच्छी एक वहाँ पे एक तारुफ होगा, दुनिया भर में उनके अच्छे तलुकात बनेंगे, और पीपल्स पार्टी तो यहाँ तक कहती है जो बात सुन के बंदे का बंदा कहता है कि यार अल्लाह ताला फिर हमारे मुल्क पे रहम ही करें, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल पे, और ये बातें जब हम सुनते हैं तो फिर हम जो हमारे दोस्त बाहर गए हुए हैं, वो मेरी बात हो रही थी नूरुल अमीन दानिश से, साकिब विर्क से, वो अमरीका गए हुए हैं, मियाँ उमर इनाम, ये सारे जो पाकिस्तान से गए हैं, तो मैं उन सारों को कहता हूँ कि यार वापस ना आना, मेहरबानी करना वापस ना आना, उधर ही जिस तरह भी एडजस्ट हो सकते हो एडजस्ट हो जाओ, मेहनत करो, अमेरिका की बात नहीं कर रहे, दुनिया के जिस भी आप मुल्क में गए हुए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वजीर आजम जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, और पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाना पड़ेगा, अगर ये सोच और अप्रोच है, और अगर एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है तो बिल्कुल वो बनवा देंगे, आवाम का वोट यहाँ पर मैटर नहीं करता, यहाँ पे आवामी राय मैटर नहीं करती, पूरा पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है और इस वक्त सूरत हाल कहाँ पर वो आपके सामने है, तो अगर तो फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने, तो यकीन करें वो बनवा देंगे। अब मुझे बताएं ना, ये जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, क्या ये अवामी वोटों से हैं, क्या ये अपने पाँव पे खड़े हुए हैं, ये अपने मुँह पे नहीं खड़े हुए, आज एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो जाए, एक हफ्ते के लिए एस्टेब्लिशमेंट एक दिन के लिए न्यूट्रल हो जाए, तीन घंटे के अंदर अंदर ये हुकूमत घर चली जाएगी, तो इसलिए ये बड़ी परेशान कर बात है अगर पीपल्स पार्टी की इस बात में सदाकत है, क्योंकि ये बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जितने दावे हुकूमत कर रही है, पीडीएम कर रही है, बिल्कुल तरदीद नहीं आती, वरना तो एक मिनट में तरदीद आ जाती थी, मत चलाएं ये चीज़, ये ना करें और इसको उड़ा दें, लेकिन
एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जितने भी दावे हुकूमत कर रही है उसको एस्टैब्लिशमेंट उसकी तरदीद नहीं कर रही। यह भी हो सकता है कि ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती हो कि हम क्यों इसकी तरदीद करें, ठीक है चलता रहे, जब प्रैक्टिकल हम कुछ चीज़ें करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये अब चीज़ें मेरा जरदारी साहब ये समझते हैं कि शबाज शरीफ नायल हो सकते हैं इसमें इलेक्शन की फंड्स की फरहमी और इस सारे मामले में, और अगर वो नायल होते हैं तो फिर सिंध का जो है वो वज़ीर आज़म होगा, ये कहते हैं आसिफ अली जरदारी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह करीम हम सब का अमीन। अल्लाह हाफिज़।